जो है वो उनका है, वो यहाँ के ओनर है और आज हम लोग उनसे भी मिलने वाले हैं और यहाँ का टेस्ट भी करने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ का फूड रिव्यू भी देने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंदर से कैसे दिखता है। तो चलिए गाइस हम लोग उनसे जाके पूछते हैं कि यहाँ का टाइमिंग वगैरह क्या है और उन्होंने क्या सोच के ये जो कैफे है वो शुरू किया था। लेट्स गो। ओपन करायचं होतं वेगळं, स्पेशालिटी असली पाहिजे, पराठा रोल वगैरे जास्त होता नाही तेव्हा साडेचार वर्ष पहिले फेमस, तर म्हणून त्यासाठी आम्ही स्पेशालिटीसाठी रोल आणि पराठासाठी कॅफे ओपन केली। आणि टायमिंग वगैरे काय आहे? टायमिंग सध्या सकाळी 10 ते 4 आहे, नंतर 4 नंतर पार्सल सुद्धा चालू। आणि स्पेशालिटी काय म्हणजे इकडे आला तर हे खाऊनच जावं असं वाटतं? स्पेशालिटी आपल्याकडे तसं सगळंच आहे, पिझ्झा बर्गर सँडविच रोल पराठा सगळं आहे, पण पराठा आणि रोल ही जास्त फेमस आहे आणि चीजबर्ग सँडविच एक आम्ही नवीन ट्राय केलंय, ऍड केलाय मेनू, ते पण तुम्ही नक्की ट्राय। आणि म्हणजे हाच आहे हाच लोकेशन का चूज केलं तुम्ही का इकडेच? साईनगर थोडं क्राऊड वाला एरिया आहे, डिमांड वगैरे आहे बाजूला, डिमांडच्या एकदम साईडनं आपलं कॅफे आहे, त्याच्यामुळे आणि ऑर्बिट पण होती ना, मूवीज वगैरे जेव्हा लोक बघते तेव्हा इकडे पण येतात म्हणजे लोक आणि तो म्हणजे यहाँ का जो ऍड्रेस आहे गाइस वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में वैसे तो डाल दूंगा, प्लीज डू विजिट दिस प्लेस और आप लोगों को भी जाकर देखते हैं कि यहाँ का फूड कैसा है, यहाँ का रिव्यू कैसा है और यहाँ का मतलब टेक्सचर वगैरह कैसा है। तो चलिए गाइस मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये जो है ये हमारा इटालियश का फर्स्ट वाला जो हॉल है वो है। हाय मन आता आली तो गाइज ये है कैफे इटालियश, वाव। और अब हम लोग अब सेकंड हॉल में एंटर होने वाले हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट हॉल। तो ये गाइज रहा हमारा फर्स्ट हॉल, कुछ इस तरीके से होता है ये दिखने के लिए। और अब हम लोग जाने वाले सेकंड हॉल में, कुछ इस तरीके से है ये, वाव। बर्थडे वगैरह हॉल के लिए आप लोग यहाँ पे बुकिंग कर सकते हो इफ यू वॉन्ट। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेबल वगैरह दी हुई है। ये सेकंड हॉल है हमारा, वो ऑसम लग रहा है गाइस। और दिस वन इज थर्ड हॉल जहाँ पे आप लोग फोटोग्राफी भी कर सकते हो। गाइस ये है यहाँ का मेन्यू स्पेशल वाला, वाव काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में दिख रहा है ये तो। और इसको हम लोग स्विगी पर भी है इसका, गाइस हम लोग स्विगी पर भी है। और ये रहा यहाँ का मेन्यू, आप लोग देख सकते हो, कभी किसी कैफे में आपने इतना सस्ता मेन्यू नहीं देखा होगा, सीरियसली एक नंबर मेन्यू यहाँ का। अब हम लोग यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं और देखते हैं। सो गाइस हमने भी ऑर्डर किया है यहाँ पे एक कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम जो कि मेरी फेवरेट है, और दूसरा हमने किया है यहाँ पे एक वेज क्लब सैंडविच और देखते रहे कैसे आता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, यहाँ का टेस्ट कैसा है मैं वो भी आपको बताऊंगा, तो देखते हैं आगे का। आगे तो हम लोग वेट करते हैं। वाओ दिखने में तो काफी ज्यादा चीज ला रहा है इन्होंने। अरे दादा म्हणजे कोणी म्हणजे कोणी बघितलं तर त्याला असं वाटलं पाहिजे अरे चला आपण पण जाऊ आता खायला। सो गाइस कुछ दिखने में इस तरीके से है ये, और ये हमारी आ चुकी है यहाँ पे कोल्ड कॉफी। ये आइए गाइस हमारी यहाँ पे कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, वाव दिखने में तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। ओ मेरा तो आज हो गया भाई काम, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है ये दिखने में। काय दादा दिखने में काफी ज्यादा टेस्ट लग रहा है। सो गाइस अब हम इसको खा के टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। सो गाइस कटलरी वगैरह कुछ इस तरीके से है, लंबे वाले चम्मच हमको मिले हुए, वो कोल्ड कॉफी है आई थिंक, और अभी हम लोग खाने वाले हैं इसको। सो गाइस यू वांट टू हैव सम हैबिट, मेरे को पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। वाओ काफी अच्छे से टेक्सचरिंग की है इन्होंने इसकी, काफी अच्छे से इन्होंने इसकी टेक्सचरिंग की है गाइस। एज यू कैन सी मुझे ना एज अ चीज लवर जब कोई चीज डालता है ना तो मेरा दिल करता है बाप रे बाप। सो गाइस अब मैं इसे टेस्ट करके आपको बताता हूँ। एक नंबर टेस्ट आ रहा है, सॉस तो एक नंबर लग रहा है गाइस, वाह मजा आ गया।
मैं इसको 10 out of 10 दूंगा फर्स्ट बाइट में। वो भी बेचारों ने ना व्रत रख के बहुत बड़ी गलती कर दी। मोबाइल फोड़ टाके गाइस एक नंबर टेस्ट लग रहा है सीरियसली। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा डू विजिट दिस प्लेस, एक नंबर टेस्ट रहेगा भाई सीरियसली। मेरे वर्ष का आया भाई क्रंची एक नंबर लग रहा है इसका, मतलब बहुत अच्छे से ग्रीन भी किया है इसको, चीज भी मस्त मेल्ट हुआ है। काय झालं तुला? अरे काही नाही, बियाणी झालं यार। तेव्हा एकदम मस्त टेस्ट येते गाईस, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। सो गाईस कोल्ड कॉफी विथ आइसक्रीम कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी है इसकी। वाओ, अब मैं इसको खा के आपको टेस्ट करके बता दूं। दिस इज वे बेटर। हाँ, एक नंबर टेस्ट आ रहा है गाइस। ऐसे मौसम में ग्रिल चीज वाला सैंडविच और कोल्ड कॉफी एक नंबर कॉम्बिनेशन लगता है। वाओ, एक नंबर टेस्ट आ रहा है गाइस सीरियसली। इसको दिस कोल्ड कॉफी को गाइस 1000 out of 1000, कोल्ड कॉफी को गाइस 1000 out of 1000, एक नंबर। भाई मजा आ गया यार, सीरियसली मजा आ गया। मैं इसको कॉम्बिनेशन में खाता हूँ, मैं इसको खा के गर्म करता हूँ, फिर मिलते हैं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक नंबर सीरियसली गाइस, डू विजिट दिस प्लेस ऑन माई रिकमेंडेशन। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया पिया, बहुत अच्छा टेस्ट था यहाँ का। मैं इस कैफे को 1000 out of 1000 दूंगा गाइस, प्लीज डू विजिट दिस प्लेस। सो गाइस थैंक यू भैया, वेलकम। और यहाँ पे आएंगे ये लोग मेरे देखते वीडियो अभी, और मेरे लिए तो चैनल भैया के साथ सेल्फी निकालने के लिए तो भी आ जाओ। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बोल दो, बाय, थैंक यू भैया।